पार्ट टू में आप देखेंगे सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का इनसाइड व्यू। पर्सनल राय है स्ट्रॉन्गली कि आप इसको आफ्टरनून से अच्छा आप मॉर्निंग या इवनिंग में आओ, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरा टेंपल इस तरह से है। पीछे रिनोवेशन का काम चल रहा है, हॉल 1, 2 और 3 है। कलाकृति का बेनाम नमूना, यानी बहुत अच्छी बहुत प्राचीन है ये। मैं देखूंगी अगर नीचे इंक्लूड करूंगी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। है ले लिया है मगर मैंने इतना पढ़ा नहीं है। पीछे यहाँ के किंग के सब किंग की फैमिली के सब फोटोग्राफ लगे हुए हैं। थाईलैंड में किंग द ग्रेट होते हैं यहाँ पे। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ बहुत सुंदर और अद्भुत जगह है ये। यहाँ की टिकट पर पर्सन 500 बात है। बच्चों में कुछ ऐसा है, कुछ 120 सेंटीमीटर से नीचे हो तो 250 बात है कुछ, मगर मिनिमम 500 बात टिकट यहाँ पे लगेगी लगेगी। और अगर आपको एलिफेंट राइड करके देखना है या अलग अलग कुछ उसका अट्रैक्शन है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टिकट रहेगी। मगर मेरे ओपिनियन से तो 500 बात वाली ये टिकट सही है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा कुछ करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेज वाली आप टिकट ले सकते हो, वो भी कुछ बुरी नहीं है। मगर 500 बात वाली टिकट इनफ है। ये जगह बेहद खूबसूरत है। तो मैंने बार बार दोनों एपिसोड में यही बोला है कि आप सुबह जाओ या फिर शाम को जाओ यहाँ पे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सुबह मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा और बढ़िया जगह रहेगी आपको यहाँ पे जाने के लिए। बहुत ग्रेट और अद्भुत फीलिंग आएगी आपको यहाँ जाके। बहुत अच्छा और वेल मेंटेन्ड है, आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो सेंचुरी ऑफ ट्रूथ आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप गूगल में जाके सेंचुरी ऑफ ट्रूथ बारे में टाइप करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा।
और नाम दिया है, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा ये सेंचुरी ऑफ तूर्तरुक है। ये एक टेंपल ही है, तो हो सके तो आप यहाँ पे आओ, मगर यहाँ पे सुबह और शाम दो आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवजी है यहाँ पे, शिवजी है, गॉड ऑफ द डिस्ट्रॉय शिवजी लिखा है यहाँ पे। शंकर पार्वती का ही है ये, पूरा हिंदुइज्म पे ही है ये जो मैंने बोला था। और ये शिवा गॉड यानी शिव जी, पार्वती जी, ब्रह्मा पूरा है, विष्णु का है, सारे अवतार का है यहाँ पे। तो ये पूरा शिव जी की फैमिली है, सब फोटो यहाँ पे खिंचाते हैं, अलाउ है। सेंचुरी पार्क का मिनिएचर है, छोटा है शायद, वो लोग भी पहले ऐसे मिनिएचर बनाते थे, तो ये पूरा उसका उसी तरह से है। यहाँ पे उनका वर्क प्लेस है, यहाँ पे सब कार्विंग और सब चल रहा था, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का काम स्टार्ट था, कुछ डैमेज था तो वो लोग यहाँ पे कार्विंग कर गए सारा। उनका बहुत बड़े लेवल पे काम उनका चल रहा था और बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति ये लोग ने तैयार करके रखी थी, हमें देखने में भी बहुत अच्छा लगा। हम जाके देख सकते थे उनकी सारी कलाकृति, आर्टिज़न की बेहद खूबसूरत कार्य कर रहे थे ये लोग, बहुत सुंदर है। आपको एक बार यहाँ पे जाना चाहिए, वेरी बहुत अच्छा प्लेस है और हमें तो बहुत मज़ा आया। आपको इसके रिलेटेड और कोई माहिती यानी कुछ भी चाहिए तो उसकी खुद की वेबसाइट है www.sancturyofthetruth.com करके, तो आपको उसका हिस्ट्री वो सब कुछ जानना हो तो आप वहाँ पे जाके जान सकते हो। मगर ये देखने में इतना बेहद खूबसूरत था कि आप बाकी सब कुछ भूल जाओगे। बहुत सुंदर कलाकृति यानी कार्विंग इन लोगों ने तैयार करके रखी थी और उसका रिकंस्ट्रक्शन कार्य यहाँ पे चल रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आउटसाइड भी एक मिनी जू है, तो आप यहाँ पे खरगोश, गॉड सबको आप खाना खिला सकते हो। 20 बाथ में आपको जो भी खाना खिलाना है खाना खिला, यानी घास खिला सकते हो, मिल्क पिलाना हो तो मिल्क पिला सकते हो, या फिर दाने, वहाँ पे वो तेतर थे तो उसको आप दाना खिला सकते हो। तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे मिनी जू में एनिमल को खाना खिलाने के लिए। हमने देखा सेंचुरी ऑफ ट्रूथ, बहुत अच्छा था, मज़ेदार था। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।